सारा खान को मिला सीक्रेट डेयरिंग बास टास्क और उस टास्क को पूरा करने में नाकामयाब रही क्योंकि वो सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहा। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा पोस्ट। आपको बताना चाहूंगी कि घर के अंदर एंट्री हुई है वाइल्ड कार्ड एंट्री जो की है आजमा और वंदना की, और इनकी एंट्री से भाई हलचल मच चुकी है कैदियों के बीच में। अब जो सारा खान है इनको एक सीक्रेट टास्क दिया गया था, डेयरिंग बास टास्क, और उन्हें वो जो लेटर जो दिया गया था वो लेटर उन्हें छुपा के रखना था, किसी को भी अपने टीम में से किसी को भी उन्हें उस लेटर के बारे में नहीं बताना था कि क्या है, क्या टास्क मिला है, वो सारी चीजें। और बिना किसी को बताए उनको एक टास्क, डेयरिंग बास टास्क पूरा करना है, कामयाब होना है कि जो नए वाइल्ड कार्ड आए हैं यानी कि वंदना और आजमा, तो ये जो कंटेस्टेंट आए हैं वाइल्ड कार्ड, इनको दोनों को अपने ब्लॉक में नहीं आने देना। और ये दोनों ऐसा, मतलब उन्हें ऐसा कुछ करना है, ऐसी कुछ तिगड़म चलानी है कि ये दोनों के दोनों ना ब्लू जो टीम है इनके ब्लॉक में आए और ना ही इनके जो टीम वाले हैं इन्हें अपने दोनों को ब्लॉक में ले। तो ये उन्हें टास्क दिया गया था। और आज अगर एपिसोड में देखा हमने तो किस तरीके से वंदना और आजमा ये दोनों के दोनों जो हैं वो ऑरेंज ब्लॉक में जाने को अपनी मंजूरी देती हैं और कहती है कि हम ऑरेंज ब्लॉक में जाना चाहेंगे, ब्लू में नहीं जाना चाहेंगे, और वो चली जाती हैं। तब जो गार्ड्स रहते हैं वो बोलते हैं कि आपको डेयरिंग बास टास्क दिया गया था सारा खान को, और इनसे ये भी कहा गया था कि इन्हें किसी को भी नहीं बताना है, किसी से भी ये सीक्रेट नहीं शेयर करना है, लेकिन वो शेयर कर देती है। जी हाँ, तभी मुनावर और करणवीर जो है वो कोशिश करते हैं बचाने की कि नहीं नहीं इसने नहीं बताया, इसने हमको ये बोला था कि नहीं इन दोनों को नहीं आने देना है, मेरा कैलकुलेशन सही नहीं जा रहा है, मुझे मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये दोनों का आना सही नहीं है और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों नहीं आए। ये सारी बातें कहती हुई नजर आते हैं मुनावर और करणवीर अपनी बात रखते हैं। तो वो जो ऑरेंज टीम है, वो ऑरेंज टीम कहते हैं नहीं नहीं इशारों में बात हो रही थी, आप लोग इशारों में सारी चीजें कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे, ये वो सब चीज कहते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंटली मुनावर और करणवीर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, हमें बिल्कुल भी इसके बारे में, लेटर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें कुछ नहीं पता था। ये बात साफ इनकार कर देते हैं मुनावर और करणवीर की, उन्हें पता था। लेकिन फिर पता चल जाता है कि हाँ सारा ये टास्क करने में, हालांकि दोनों के दोनों जो वाइल्ड कार्ड हैं वो तो नहीं आते टीम में, लेकिन उनकी जो सारा की, मुनावर की, करण की जो प्लानिंग है, पोल है, वो खुल जाती है कि जो सारा खान है वो डेयरिंग बास टास्क करने में नाकामयाब हो गई। और इस वजह से नाकामयाब होने की वजह से उनकी जो किचन की एमिनिटीज है वो उनसे छीन गई, उन्हें नहीं मिलेगी। ये एक चीज होती है। और बहुत कोशिश करते हैं करणवीर और मुनावर कि वो बचा सके कि नहीं सारा ने हमें कुछ नहीं बताया था, हम तो कुछ नहीं पता था, लेकिन एट दी एंड तो भाई सच सच होता है और सामने आ जाता है। और ऑरेंज टीम जो चेयर करती है इस बात पर स्पेशली, वो देखने लायक होता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके कि सारा खान डेयरिंग बास टास्क करने में कामयाब रही या नहीं, जो भी बता दीजिए। और देखते रहिए फीफा पोस्ट इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।